होशंगाबाद जिले के घोसी में दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जहानाबाद SDPO मौके पर पहुंचे। वहीं इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये विवाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, मतलब एक जाति के एक लड़के के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई थी, जिसकी पैरवी ये लोग कर रहे थे। और कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जिसमें जो एक दुर्घटना में जो है टेम्पो विवाद में भी एक दूसरे पक्ष के बीच में झगड़े हुए थे, उसको लेकर के एक पक्ष के लोग जो है वो जेल चले गए हैं। जहानाबाद समरणालय के सभा कक्ष में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। इस दौरान बताया गया कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जैसा कि निर्देश प्राप्त है चुनाव आयोग का, सभी बूथों पे पैरा मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा काफी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की गई है। हमारी QRT टीम, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और थाना स्तर पे भी हम लोगों ने टीम गठित की है, जो लगातार भ्रमण करेंगे और विधि व्यवस्था कहीं भी प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने शेयर किया है, संख्या बताना उचित नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी प्लान को 100% डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इतना ही कहेंगे कि अब तक जितनी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री जब भी किसी चुनाव में यहाँ आई हो, सबसे ज्यादा इस बार आई है। हमारे पास पर्याप्त बल है, पर्याप्त पैरामिलिट्री, पर्याप्त मैजिस्ट्रेट है। कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, विधि व्यवस्था संधारण को लेकर, भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर बल के स्तर पर कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की है और जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि 6 लेयर पे हम लोगों ने पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था उसको लागू की, ताकि किसी भी एक स्थल पे अगर कोई समस्या होती है तो उसको पर्याप्त बल के साथ उसको टैकल किया। भागलपुर में 10 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद बरारी पुल घाट पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी थे, इसी कारण इस बार जिले के कुछ स्थानों पर मां का पंडाल लगाया गया। नवगछिया के बीहपुर इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष कुमार की पिटाई के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आशुतोष कुमार की एक पुलिसकर्मी के साथ झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली। भागलपुर के नाथनगर के चर्च मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं तेजस्वी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मधुबनी जिले में बिहार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। दरअसल संगठन के सदस्य विधानसभा चुनाव में कार्य नहीं मिलने को लेकर नाराज हैं। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने बताया कि चुनाव के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। 1998 में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को चुनाव विभाग के द्वारा ड्यूटी लिया गया था कमान पत्र के माध्यम से, और 1/10/2020 को भी राज्यपाल के द्वारा एक लेटर निकला जिसमें ग्राम रक्षा दल के बारे में जिक्र किया गया है। 30 लाख की बीमा की भी बात की गई है। और अभी जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात होती है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि हमें आवश्यकता है, लेकिन इस बीच में फिर पुनः एक फोन आया वहां से, उस फोन के माध्यम से आता है कि नहीं, अभी फिलहाल आप लोगों को ड्यूटी में लिया जा सकता भी है और नहीं भी लिया जा सकता। सासाराम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू के राज में गरीब सीना तान के बाबू साहेब के सामने चलते थे। वहीं इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में गहमा गहमी का माहौल बन गया है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहेब के सामने, सब लोगों को साथ लेंगे, जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा, सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल है के ना, मौका मिले के चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सूबे में अब जनता पूरी तरह नीतीश कुमार को अस्वीकार कर रही है। विश्व स्तर पर लोग मुजफ्फरपुर को जानते हैं, हम लोग बचपन से मुजफ्फरपुर को सुना, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर का क्या हाल कर रखा है इन्होंने, क्या सड़कें हैं, क्या यहाँ पे इंतजाम है नालियों का, सड़कों का, उसका कुछ भी नहीं। इतने बड़े नाम को शहर का, जो शहर चमकना चाहिए, उस शहर का क्या हाल उन्होंने कर रखा है। ऐतिहासिक शहर है मुजफ्फरपुर,
और उसकी ये गति उन्होंने की। सहरसा जिले के भीरा थाना क्षेत्र के मोखना गांव में करंट की चपेट में आने से 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायल मजदूर को आनन फानन में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां चारों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।